केंद्र समिति सेन समाज के प्रतिनिधि आज सैलून व्यवसायियों की समस्या लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में एडीएम बीएस तोमर से मिलने पहुंचे। ज्ञात रहे कि रविवार को सैलून व्यवसाय रविवार को भी सभी का अवकाश होने के कारण अच्छा चलता है। इससे विपरीत इंदौर प्रशासन ने रविवार सैलून दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके दौरान रविवार को निगम कर्मचारी भी सैलून दुकानों पर कार्यवाही करने पहुंचे। इस संदर्भ में रविवार दुकानें चालू रखने और कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्रों में भी दुकानें शुरू रखने की मांग की गई। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। केंद्रीय समिति द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने रविवार खोलने की और मंगलवार बंद रखने की अनुमति चाही है। मैं कलेक्टर के ध्यान में लाकर इस चीज़ का निराकरण अगले संडे के पहले पहले करवा। सर, ये कंटेनमेंट में भी खुलने की मांग कर रहे हैं व्यवसायी लोग, तो इसमें क्या अनुमति दी जाएगी या कंटेनमेंट में खुलने की या नहीं? कंटेनमेंट एरिया जहां पर पॉजिटिव मरीज मिलते हैं उससे एक पेरिफेरी में रखा जाता है और उसको खुलने की अनुमति कलेक्टर ही देते हैं। जब समय अवधि पूर्ण हो जाएगी और वहाँ कोई मरीज शेष नहीं रहेगा तो कंटेनमेंट एरिया भी घोषित कर दिया जाएगा। उसके पहले किसी भी प्रकार के आवागमन अथवा धंधा या व्यवसाय को प्रतिबंधित रखा जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।